गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम ड्राइंग नोटबुक में अल्फाबेट ड्राइंग सीखेंगे। क्या सीखेंगे बच्चों? अल्फाबेट ड्राइंग, मतलब अल्फाबेट से हम ड्राइंग कैसे बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये हमारा फर्स्ट अल्फाबेट है ए। कौन सा लेटर है? ए लेटर है। तो आज हम ए लेटर से ड्राइंग बनाना सीखेंगे। एंड सेकंड क्या है? बी। और हम बी लेटर से ड्राइंग बनाना सीखेंगे। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम ए लेटर से ड्राइंग बनाना सीखने वाले हैं और बी लेटर से ड्राइंग बनाना सीखने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं, जो आपका फर्स्ट स्टेप है वो क्या है? पहले हम ए लेटर से ड्राइंग बनाएंगे। और फर्स्ट स्टेप क्या है आप देख सकते हैं, एक ऐसे करके आपको एक स्लैंटिंग लाइन करनी है, दूसरी स्लैंटिंग लाइन करनी है और फिर इधर से लाइन करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इतना करना ओके। तो देखिए आप कैसे बनानी है आपको अल्फाबेट ड्राइंग। ओके चलिए, तो बच्चों पहली ड्राइंग हम ए लेटर से बनाएंगे। ओके तो फर्स्ट ड्राइंग स्टार्ट करते हैं हमारी। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इस तरीके से एक स्लैंटिंग लाइन करनी है। ओके आपको भी फिर एक और करनी है इसी तरीके से, बिल्कुल इसके ही ऐसे करके इसको मिलाते हुए। ओके तो आपने कर दी। अब आप जानते हो, अब आपका ए तैयार होने वाला है। अब आप बीच में क्या करते हो, ए में एक स्लिपिंग लाइन करते हो, वो भी आपने कर दी। यहाँ पर एक और कर देते हैं हम, यहाँ पर थोड़ा सा ड्राइंग है ना इसलिए। ओके तो आपने क्या किया, आपने ए शेप ले लिया पूरा। अब आप क्या करोगे देखिए, अब आप ऊपर एक सर्कल बनाओगे। क्या बनाओगे बच्चों? सर्कल बनाओगे। देखिए मैं तो ऐसे ही बना रही हूँ, अगर आपके पास कोई चीज हो तो आप उससे आराम से सर्कल बना लीजिएगा। ओके मैं तो हाथ से ही बना रही हूँ, पर आपके पास अगर कोई चूड़ी या कुछ भी ऐसी चीज हो जिससे आप बना सको, जैसे कैप कोई, आप उससे बना लीजिएगा। ओके अब आपने क्या देखा, पहले हमने ए बनाया और उसके ऊपर हमने क्या किया, एक सर्कल बना दिया। अब हम उस सर्कल पे छोटी सी आइस बना देते हैं। ठीक है, आइस कितनी होती है? दो होती है। एक रोज बना देते हैं और एक क्या बना देते हैं बच्चों, बताइए? लिप बना दिया हमने। अब देखिए ये आपका ए तैयार हो गया है ना, और ऊपर आपने उसके फेस पर वो भी बना दिए। अब देखिए हम यहाँ पर बीच में एक सर्कल बना देते हैं छोटा सा। चलिए तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आपका जो फर्स्ट स्टेप है वो रेडी हो गया है ए का। अब देखिए सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में हम नीचे दो लाइन करेंगे और सर्कल बनाएंगे। ओके चलिए दिखाती हूँ मैं आपको कैसे। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम इस तरीके से नीचे से एक लाइन करेंगे। ओके और इस साइड से भी हम क्या करेंगे, वैसे ही एक लाइन करेंगे, हमने कर ली। अब देखिए अब हम इस लाइन को इस तरीके से इस लाइन से मिला देंगे, जैसे मैंने मिलाया है वैसे ही आपको भी मिलाना है। ओके तो अब आप देख सकते हैं आपका ए तैयार हुआ। उसके बाद आपने बेल्ट भी बना दी, आपने फेस भी बना दिया और आपने ये भी बना दी। अब हम उसके हैंड बनाते हैं। तो हैंड आप कैसे बनाएंगे, आप एक लाइन लेंगे इस तरीके से। ओके और उसको एक बार यहाँ से जोड़ देंगे, कहाँ से जोड़ देंगे, इस तरीके से। ठीक है ये उसका हैंड हो गया। ऐसे ही इस साइड भी बनाते हैं। पहले आप इस तरीके से लाइन लेंगे, फिर उसको यहाँ पर भी हैंड से जोड़ देंगे। ओके तो आपको इतना समझ में आया आपने क्या किया, आपने हैंड बना दिए। अब आप उन पर क्या करने वाले हो, उन पर चलिए तो आपके हैंड भी रेडी हो गए। अब आपने क्या देखा, देखिए आपका फर्स्ट स्टेप रेडी हो गया था कि आपने ए बनाया, उसके बाद फेस बना दिया। आपका सेकंड स्टेप रेडी हो गया, आपने यहाँ से स्लिपिंग लाइन करके एक सेमी सर्कल बना दिया। अब आपका थर्ड स्टेप देखिए क्या है, अब आपको एक टाई बनानी है। क्या बनानी है बच्चों? टाई बनानी है। तो चलिए टाई बनाना स्टार्ट करते हैं।
तो आप टाई कैसे बनाएंगे, देखिए आप पहले यहाँ से हल्का सा सर्कल ऐसे करके ट्रायंगल शेप लेंगे, हल्का सा ट्रायंगल लेंगे, पूरा नहीं लेंगे, ओके, हल्का सा लेंगे, ओके, ले लिया आपने। अब आप सीधी लाइन कर देंगे, एक बिल्कुल सीधी, इसमें भी बिल्कुल सीधी, ओके। और अब आप इस तरीके से हल्का सा ट्रायंगल ले लेंगे। तो आपको टाई बनाना भी आया, आपको क्या करना है, तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पर ब्लैक स्केच से आउटलाइन करेंगे। देखिए कैसे, पहले हम बिल्कुल जैसे हमने बनाया है ये फोटो, वैसे ही हम इस पर आउटलाइन भी करेंगे। पहले आपने यही वाली लाइन बनाई थी, तो आप इसी पर आउटलाइन करेंगे, ओके। फिर आपने किस पर क्या बनाया था बताइए, फिर हमने फेस बनाया था, अब हम फेस पर आउटलाइन करते हैं। फेस पर आउटलाइन थोड़ा ध्यान से करिएगा, आपका सर्कल सर्कल ही रहे, ओके, क्योंकि क्या होता है सर्कल हमारा थोड़ा खराब हो जाता है, तो सर्कल ही रहना चाहिए। उसके बाद क्या बनाएंगे हम टाई बनाते हैं। अब आपकी ड्राइंग रेडी हो चुकी है, अब हम इस पर कलर करते हैं। तो हम इस पर स्केच कलर भी कर सकते हैं, हम इस पर क्रियॉन्स कलर भी कर सकते हैं, जैसे चाहे आप ऐसे कलर कर सकते हैं। तो जो हमारी टाई है उस पर तो हम ब्लैक कलर ही करते हैं, ओके, जैसे हमारी टाई है उस पर हम कौन सा कलर ही करते हैं बच्चों, ब्लैक कलर ही कर लेते हैं। तो बच्चों हम इसकी जो शर्ट है उस पर हम ऑरेंज कलर फिल करते हैं, ओके, आप भी आराम आराम से मेरे साथ साथ आप ऑरेंज कलर फिल कर सकते हैं। तो बच्चों जो आपने देखा होगा, जो हमारी बेल्ट होती है वो तो ब्लैक कलर की ही होती है, तो हम इसमें ब्लैक कलर ही फिल कर लेते हैं, है ना, क्योंकि बेल्ट तो हमारी हमेशा ब्लैक कलर की ही होती है ना। चलिए तो हमने इसमें बेल्ट में कौन सा कलर फिल कर दिया, ब्लैक कलर ही फिल कर दिया, ओके। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम पैंट में ब्लू कलर करना फिल कर ब्लू कलर फिल करना स्टार्ट कर देते हैं, ओके। चलिए जैसे आप देख सकते हैं, जैसे मैं कर रही हूँ वैसे। तो बच्चों आपने देखा कि हमने जो उसकी शर्ट थी उसमें हमने ऑरेंज कलर फिल किया, और जो उसकी पैंट थी उसमें हमने ब्लू कलर किया। अब हम उसके फेस पर बच्चों हम ब्लू कलर का, वो येलो कलर का क्रियॉन्स फिल करते हैं, क्योंकि फेस पर हम स्केच कलर अच्छा नहीं लगता, तो मैंने इसीलिए क्या सोचा कि हम फेस पर येलो कलर का क्या फिल करेंगे बच्चों, क्रियॉन्स कलर फिल कर देंगे, ओके। जैसे कि मैंने किया है वैसे ही आप भी कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो ड्राइंग है ए लेटर से वो रेडी हो चुकी है, देखिए वो कैसे करके खड़ा हुआ है। तो आपकी अल्फाबेट ए से, तो बच्चों अब हम कौन से अल्फाबेट से ड्राइंग बनाएंगे, बी, कौन सा अल्फाबेट से बनाएंगे बताइए मुझे, बी से। अभी तक हम ए से बना रहे थे और अब हम बी से बनाएंगे। तो आपने देखा था ए से बनाने पर हमने सबसे पहले ए बनाया था, ऐसे ही हम बी से बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे बच्चों बताइए मुझे, बताइए जल्दी से क्या बनाएंगे, बी बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम बी बनाएंगे। तो बी कैसे बनाएंगे, पहले हम क्योंकि बड़ी बी बनानी है ना हमको, तो स्केल से हम पहले एक लंबी सीधी लाइन खींचेंगे, जैसे कि मैंने खींच ली, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस तरीके से एक, फिर दूसरा, फिर इस तरीके से दूसरा लाइन, दूसरी लाइन बनाएंगे, ओके। उसके बाद क्या करेंगे हम देखिए, उसके बाद हम नीचे एक सीधी लाइन खींचेंगे, खींच ली ना हमने, देखिए कैसे खींच ली ना हमने, बिल्कुल सीधी लाइन दोनों तरफ से खींच ली। अब आप इसमें छोटा सा सर्कल बना दीजिए बच्चों। अब आप देख सकते हैं कि आपका जो सेकंड स्टेप है वो क्या है, आपने पहले तो बी बनाई थी और बर्ड की आई बनाई थी, अब आप बर्ड की बीक बनाएंगे, क्या बनाएंगे, बीक बनाएंगे और पैर बनाएंगे। अब आप बर्ड की बीक बनाएंगे और क्या बनाएंगे, पैर बनाएंगे। चलिए देखिए कैसे, तो आप पहले बर्ड की बीक कैसे बनाएंगे, पहले आप एक इधर से
हल्का सा ट्राइंगल शेप में मतलब स्लैंटिंग लाइन लेंगे और हल्की सी तिरछी लाइन इधर से लेंगे, ओके, मतलब स्लैंटिंग लाइन लेंगे। तो ये आपकी बीक बन गई। अब आप पैर कैसे बनाएंगे? आप एक डब्लू बनाएंगे, फिर दूसरा डब्लू बना देंगे, ये आपके पैर बन गए, ओके। पहले आप एक डब्लू बनाएंगे, फिर आप दूसरा डब्लू बना देंगे, तो ये हमारे बर्ड के क्या बन गए बच्चों? पैर बन गए। अब हम क्या करते हैं? अब हम देखिए, क्योंकि बर्ड जो होती है वो किस पर बैठी होती है? डाल पर बैठी होती है। और डाल पर क्या होती है बताइए मुझे? डाल पर क्या होता है? डाल पर लीव्स भी तो होती है। तो अब हम यहाँ से एक लीव्स बना देते हैं, ओके। ये आपकी जो लीव है वो तैयार हो गई। अब हमने यहाँ पर लीव बना दी, तो आप देख सकते हैं बर्ड, बी फॉर बर्ड बन गई, बर्ड की बीक बन गई और बर्ड के क्लॉज मतलब पंजे बन गए। अब क्या बनना है? अब हम यहाँ से बर्ड की चोंच बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे? आप इस तरीके से एक लाइन कीजिए, ठीक है। अब उसके बाद इस तरीके से 1, 2, 3 ये लाइन कर दीजिए। हमारे अब बर्ड की चोंच भी तैयार हो गई। तो आपको बी फॉर बर्ड बनाना आया बताइए मुझे? हमने पहले बी बनाया, उसके बाद आई बनाई, फिर हमने बर्ड की बीक बनाई, फिर हमने बर्ड के पैर बनाए, उसके बाद हमने क्या बनाई? बर्ड की पूंछ बना दी थी, मतलब पंख जो होते हैं वो बना दिए। तो आप देख सकते हैं आपको बर्ड समझ आई। चलिए अब हम क्या करते हैं? अब हम अपनी बर्ड पर कलर करते हैं। तो बर्ड जैसी होती है, कलरफुल होती है ना, तो इसमें हम बहुत ही प्यारे प्यारे और सुंदर सुंदर कलर फिल करेंगे, ओके, ग्रीन, ब्राउन, है ना। तो पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले बताइए कौन सा कलर करेंगे? पहले हम आउटलाइन करेंगे इस पर, ब्लैक स्केच से आउटलाइन करेंगे। देखिए अब हम ब्लैक स्केच से आउटलाइन कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे? जैसे हमने बी बनाई थी वैसे ही बी बना दी बनाएंगे सबसे पहले, है ना। सबसे पहले हमने बी जो बनाई थी बच्चों, सबसे पहले हमने बी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे बी? जैसे आप बनाते हो ना वैसे ही आप क्या करोगे? सबसे पहले आप बी बना लोगे। आपने बना ली बी, उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम जो नीचे डाल है हमारी, हम उसको बनाते हैं। अब हम उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले लाइन करते हैं, उस पर हमने ब्लैक स्केच से आउटलाइन भी कर ली है। अब हम क्या करेंगे? अब बताइए अब हम क्या करेंगे? अब हम बर्ड पर कलर फिल करेंगे, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कैसे करना है कलर फिल? सबसे पहले हम जो हमारी बर्ड की डाल है उसमें हम ब्राउन कलर फिल करेंगे। कौन सा कलर फिल करेंगे बच्चों? ब्राउन कलर। आपने तो देखा ही होगा कि जो डाल होती है उस पर ब्राउन कलर ही हो रहा होता है ना, हमने ब्राउन कलर फिल कर दिया, ठीक है। आपको भी याद रहे कौन सा कलर फिल करेंगे? ब्राउन कलर। उसके बाद जो बर्ड की बीक है उसमें भी हम कौन सा कलर फिल करेंगे? ब्राउन कलर फिल करेंगे, क्योंकि आपने देखा है जो चोंच होती है हमेशा कौन से रंग में होती है बच्चों? ब्राउन कलर में होती है, है ना। तो हम बर्ड की जो चोंच है उसमें भी हम कौन सा कलर फिल करेंगे? ब्राउन कलर। तो बी का जो फर्स्ट ब्लॉक था उसमें हमने पिंक कलर किया, अब बी का जो सेकंड ब्लॉक है उसमें हम ब्लू कलर करते हैं, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखिए हमने अब ब्लू कलर भी फिल कर लिया। अब देखिए जो हमारी पीछे जो हमने वो बनाई है, पंख बनाए या पूंछ बनाई है, तो उसमें हम आपका ब्राउन कलर फिल करते हैं। कौन सा कलर फिल कर रहे हैं बच्चों? ब्राउन कलर। देखिए बच्चों मैंने ये कलर करे हैं, अगर आपको कोई और कलर अच्छे लगते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें बस अपनी बर्ड को कलरफुल और सुंदर बनाना है, ओके। कैसे बनाना है? कलरफुल बनाना है और सुंदर बनाना है। तो जिसको जैसे कलर पसंद होते हैं वो वैसे कलर कर लेता है, ठीक है। तो अब बताइए जो आपकी बर्ड है वो कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है ना। तो एक काम और रह गया है, जो हमारी लीफ है उस पर हम ग्रीन कलर फिल करते हैं। तो चलिए कर देते हैं फटाफट से। जो हमारी लीफ है उस पर हमने कौन सा कलर फिल कर लिया? ग्रीन कलर फिल कर दिया, ओके। चलिए तो अब आप देखिए अब हमारी बर्ड रेडी हो चुकी है। तो एक बार मैं आपको फिर से स्टेप बाय स्टेप समझा देती हूँ। तो पहले देखिए आप ए लेटर का, सबसे पहले आपने ए बनाया, देखिए पहले आपने ए बनाया, ओके। उसके बाद आपने क्या किया?
सर्कल बनाया और उस पर फेस बना दिया। आपने ए बनाया, फिर सर्कल बनाया, उसके अंदर फेस बना दी। सेकंड आपने क्या किया, सेकंड लिया आपने उस पर हैंड बना दिए। क्या बना दिए बच्चों, हैंड बना दिए, ओके। और टाई बना दी, और क्या कर दिया, टाई बना दी। अब थर्ड में आपने क्या किया, थर्ड में हमने उसके नीचे से पैरों को जॉइंट कर दिया, और क्या कर दिया, और कलरफुल कर दिया। अब देखिए बी नंबर की, बी नंबर में आपने क्या किया, पहले आपने बी बनाई है ना, बी फॉर बर्ड, तो बर्ड की आपने आई बनाई, फिर आपने और आपने नीचे जो डाल है वो बनाई, उसके बाद आपने बर्ड की चोंच बनाई और बर्ड के क्लॉज बनाए, मतलब पैर बनाए, पंजे बनाए, ठीक है। उसके बाद आपने थर्ड में क्या किया, आपने बर्ड की जो पीछे की पूंछ थी वो बनाई और लीप बना दी, है ना। तो आपको समझ आया, आपने बर्ड और ए फॉर कैसे बनाया था एंग्री मैन, और बी फॉर कैसे बनाई थी बर्ड, है ना। तो आज आपने दो लेटर सीखे, कौन कौन से, ए और बी। तो आपको कैसा लगा बताइए, आपको अपनी ड्राइंग अच्छी लगी, आपको अल्फाबेट ए और बी से ड्राइंग बनाना आया, कि हम अल्फाबेट ड्राइंग कैसे बनाते हैं बताइए, आया। तो आपको मजा आया आज की ड्राइंग बनाने में। बच्चों आज आपका होमवर्क क्या है, आज आपको ए लेटर और बी लेटर से अल्फाबेट ड्राइंग बनानी है। आपको क्या करना है होमवर्क में, आज आपको होमवर्क में लेटर ए एंड लेटर बी से अल्फाबेट ड्राइंग बनानी है, ओके। और उस पर सुंदर सुंदर कलर भी करने हैं, ओके। चलिए एक बार मैं आपको ए और बी दोनों दिखा देती हूँ। ये आपका ए बना हुआ है और ये आपका बी बना हुआ है ना। तो अब आप बनाएंगे घर पर और सुंदर सुंदर कलर रंगों से उसको फिल करेंगे, सुंदर सुंदर कलर्स फिल करेंगे, ओके। चलिए गुड बाय।